नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन। मेरे YouTube चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं एक रेफ्रिजरेटर है, फ्रीजर है। तो दोस्तों, इस रेफ्रिजरेटर में कुछ प्रॉब्लम आ चुका है। तो दोस्तों, इस रेफ्रिजरेटर में प्रॉब्लम है कि ये जो फ्रीजर है, फ्रीजर स्लो कूलिंग देती है। और ये जो स्लो कूलिंग देती है, तो इसका क्या रीज़न है और किस लिए फ्रीजर में ये प्रॉपर तरीके से कूल नहीं होता है, पूरा धीमे तरीके से स्लो तरह कूलिंग होती है। तो इसका जानकारी आप लोगों के सामने मैं अभी दिखाऊंगा, और साथ में इसका जो पूरा आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, डायग्नोसिस किस तरीके से होती है, कि इसमें क्या खराबी आ चुका है, ये भी मैं आप लोगों के सामने करके दिखाऊंगा। तो सर देखिए, ये जो डिस्चार्ज पाइप है और ये सक्शन पाइप है, और जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर भी बिल्कुल हीट है, और जो डिस्चार्ज पाइप है, डिस्चार्ज पाइप भी बिल्कुल हीट है, सक्शन भी गीला है। और जैसे देखिए, इसका जो फ्रीजर की जो दरवाज़ा है, दरवाज़ा मैंने ऊपर किया, तो देखिए इसमें नीचे के हिस्सों में काफ़ी धुआं जैसी, ओस जैसी आपको देखने को मिल रहा है, और नीचे के हिस्से में बिल्कुल भी कूलिंग नहीं है। और इसका जो सामग्री है, सामग्री कुछ दिन पहले के है, तो इसमें आइस होना एक नॉर्मल सी बात है, आम बात है। और ऊपर के हिस्से में आप देख पा रहे हैं कि इसमें आइस है, और नीचे के हिस्सों में भी कुछ घंटे पहले इसमें आइस था, मैंने इसे चेक किया टाइम लेके। तो दोस्तों देखिए, अभी इसमें आइस नहीं है। तो ये जो इसमें आइस था, बहुत स्लो कूलिंग हो रहा था। कभी कभी ये ठंडा होने में, कूल होने में काफ़ी टाइम लेता है, और कभी कभी प्रॉपर तरीके से जल्दी से इसमें ठंडा होने लगता है, ठंडा आ जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से चलने से कंज्यूमर के जो है सामान भी ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप क्या समझोगे कि इसमें क्या खराबी आ चुका है, दिक्कत आ चुका है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सर देखिए, ये जो ऊपर के हिस्सा है आइस, नीचे के हिस्से में कोई आइस नहीं है, बिल्कुल इसमें आइस मेल्ट हो चुका है। और दोस्तों देखिए, इसका जो सामग्री है, सामग्री कुछ भी प्रॉपर तरीके से ठंड नहीं है, उसमें ठंड भी कम चुका है, और दोस्तों ये भी धीरे धीरे मेल्ट होने लगा है। तो दोस्तों देखिए, इसमें कोई आइस नहीं है, प्रॉपर तरीके से ये फ्रिज कूलिंग नहीं होती है, तो इसमें क्या दिक्कत आया। तो दोस्तों देखिए, ये दिक्कत कब होती है, ये दिक्कत होती है कि दोस्तों जब गैस की कमी होती है। आप सोच रहे होंगे कि जो रेफ्रिजरेटर के अंदर गैस कम हो चुका है, इसलिए ये कूलिंग धीमा होती है, स्लो होती है, और आइस नहीं होता। दोस्तों इस तरीके से कोई इसमें सिम्टम नहीं है, कोई कारण नहीं है। तो इसका दोस्तों मेन जो रीज़न है, मेन रीज़न ये हो सकता है कि आप समझते होंगे, या फिर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल उस तरीके से नहीं है कि इसमें गैस रेफ्रिजरेंट लीकेज है, उस कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों इसमें क्या खराबी आ चुका है, ये भी मैं आप लोगों के सामने अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, जो स्लो कूलिंग होती है, इसका एक ही रीज़न है। इसका जो फिल्टर है, जो स्टनर है, स्टनर आप जानते हैं कि एक रेफ्रिजरेटर के अंदर, फ्रीजर के अंदर स्टनर होती है, उसके साथ एक्सपेंसर डिवाइस होती है, यानी कि रेफ्रिजरेटर जो होती है उसमें एक्सपेंसर डिवाइस के अल्टरनेट इसमें कैपिलरी ट्यूब इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये जो कैपिलरी ट्यूब और स्टनर होती है, जो स्टनर होती है इसमें फिल्टर होती है, इस फिल्टर कभी कभी ब्लॉक होता है, और जो इसका इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर में काफ़ी ऑयल उड़ जाने के कारण इसमें काफ़ी ऑयल आ जाता है इवेपोरेटर के अंदर, तो ये प्रॉपर तरीके से कूलिंग होने में असमर्थ होती है, सक्षम नहीं होता। तो दोस्तों देखिए, और ये जो इसका सक्शन पॉइंट है, मैंने चेक किया, सक्शन पॉइंट में भी कूलिंग होता है, ठंड आती है। तो दोस्तों, तो आपको समझना चाहिए कि बिल्कुल इसमें गैस लीकेज नहीं हुआ है, और इसका जो स्टनर है और कैपिलरी है, कैपिलरी भी बिल्कुल उस तरीके से गर्म नहीं है। जब आप एक रेफ्रिजरेटर को चलाओगे, देखोगे, तो उसमें काफ़ी गर्म महसूस होगी, जो उसका कैपिलरी है, स्टनर है, स्टनर भी काफ़ी गर्म महसूस होगी। तो दोस्तों इसमें उस तरीके से गर्म महसूस नहीं होता है, और जो इसका सक्शन पाइप है, सक्शन पाइप भी गीला है, और इसका जो कैपिलरी है, कैपिलरी भी गीला हो चुका है, तो गीला महसूस होता है, इसमें भीग चुका है, इस तरीके से कुछ महसूस होता है। तो आपको समझना चाहिए कि इसके अंदर ऑयल उड़ चुका है, और ये चॉकिंग हो चुका है, इसके अंदर काफ़ी ऑयल आ चुका है, और इसका जो फिल्टर है, आपको इस फिल्टर को भी चेंज करना पड़ेगा, टायर को भी चेंज करना पड़ेगा, और इसके साथ जो इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर की भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको वॉश करना पड़ेगा। हो सकता है आपके पास जो है
नाइट्रोजन से आप वॉश करिए, या फिर आपके पास जो थिनर है, पेट्रोल है, ऑक्टेन है, आप उससे भी इसे वॉश करके ये प्रॉपर तरीके से काम ले सकते हैं। वो आपकी मर्जी है आप कैसे करते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो डिस्चार्ज पाइप है ये भी गर्म है, और दोस्तों देखिए जो सक्शन पाइप है ये भी आपको गीला नजर आ रहा है, इसमें भीग चुका है। और दोस्तों देखिए इसका जो कैपिलरी है, कैपिलरी भी भीगा भीगा महसूस होता है। तो दोस्तों ये आम सी बात है कि इसमें कोई गैस की कमी नहीं है, गैस लीकेज नहीं हुआ है, इसमें चॉकिंग हो चुका है। तो दोस्तों जो इस फील्ड में नए हैं, नए टेक्नीशियंस, नए भाई है, उसको उसे समझने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है कि इसमें गैस लीकेज हुआ है या नहीं, या फिर इसमें और कोई दिक्कत तो नहीं है, कंप्रेसर के पाम तो नहीं चला गया है, कंप्रेसर पामलेस तो नहीं हो चुका है। तो दोस्तों देखिए, जब पामलेस होता तो इसमें बिल्कुल आइस नहीं होता, इसमें सिर्फ कूलिंग होता, वो जैसे मिनिमम तक कूलिंग होती है, बिल्कुल सामान्य तरीके से इसमें कूलिंग होता। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे बता सकते हैं, और दोस्तों साथ इसे शेयर